गली में डाल लेगा। लेकिन अगर मेले की बात करें, अगर मैं कहता हूँ मेला, तो आपके जहन में सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? झूले और दूसरे चाट पकौड़ियाँ। मुझे तो वो पिंक रंग की होती है ना, मीठी जो खाने वाली, कॉटन कैंडी। क्या कॉटन कैंडी, और साथ में वो जो गुब्बारों पे शूटिंग करना। लेकिन सोचिए, मेले की इस मौज मस्ती आनंद के साथ साथ अगर हम हेल्थ की ओर भी कुछ कदम बढ़ाएं, तो वो बन जाएगा हेल्थ मेला। आइए चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने अपने सिल्वर जुबली के मौके पर 5 अक्टूबर को एक भव्य हेल्थ मेले का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया। इस हेल्थ मेले का विषय है एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर। इस मेले में विश्वविद्यालय की सभी संस्थानों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 100 से अधिक यह हेल्थ मेला का कदम स्वास्थ्य की ओर, तो हमने इसमें चाहे डेंटल हो, चाहे आई हो, चाहे ENT हो, चाहे आपका ECG हो, चाहे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हो, इन सभी को हमने कवर करते हुए, प्लस आयुष के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में, योगा के बारे में, हमने सभी चीजों को इकट्ठा करके कुछ किया कि हम सभी को इस बारे में अवेयर कर सके, जो जो हमारी आज की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसका हमने प्रयास किया है। इस हेल्थ मेले का लक्ष्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। यह मेला न केवल सभी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर रहा है, बल्कि मनोरंजन के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी फैला रहा है। यह हेल्थ मेला 10 अक्टूबर तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलेगा और इस मेले में प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। और हेल्थ मेला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज इसी पर चर्चा करते हैं और स्वागत करते हैं IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मेले में तो हमें झूले, चाट पकौड़ी, ये सब सुना था, तो स्वास्थ्य भी जुड़ सकते हैं मेले में जाकर? बिल्कुल। देखिये, मेला एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम सबको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उसमें जानकारी के साथ साथ और भी रंगारंग कार्यक्रम और खान पीन की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए, तभी एक इसका स्वरूप मेले जैसा होता है। तो इस हेल्थ मेले में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खास है? देखिए, ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये रजत जयंती वर्ष है, 25 साल हो गए हमें यूनिवर्सिटी को, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक कम्युनिटी सर्विस में भी जो यूनिवर्सिटी की हिस्सेदारी होती है वो उसको हम उजागर करें। और देखिए, एक स्टूडेंट की शिक्षा समग्र तभी होगी जब उनको हम एक कम्युनिटी सर्विस में भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हेल्थ से जुड़े हुए संस्थान हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सब को साथ मिला के हमने सोचा कि एक हम भव्य मेले का आयोजन करें, ताकि हम जनता को हेल्थ प्रमोट करें, प्रमोशन, प्रिवेंशन और अवेयरनेस, ये सारा जो है ये उद्देश्य है इस मेले का। जी, तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 25 ईयर्स पर आपको बधाई। तो अगर कोई हेल्थ मेला जाना चाहता है, बीते कल न केवल वर्ल्ड कप शुरू हुआ बल्कि हेल्थ मेला भी, तो 5 तारीख से जो ये मेला शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या सभी आमंत्रित हैं? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। 5 कल शुरू हुआ और 10 तारीख तक चलेगा। अच्छा। और हमने शनिवार इतवार इसमें जोड़ा है, क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है और मेले का फायदा उठा सकते हैं। और सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, लास्ट एंट्री 6:30 बजे है। अच्छा। और इसमें बहुत सारी चेकअप्स है, डायग्नोस्टिक्स, यू नो, जिसे कैंसर चेकअप, डेंटल चेकअप, आई चेकअप, ENT चेकअप, हेयरिंग चेकअप, सब एंट्री फ्री है और चेकअप्स भी फ्री है। चेकअप भी फ्री है, और उसके अलावा बहुत सारे और
प्रोग्राम है, नुक्कड़ नाटक, अवेयरनेस, और आयुष का बहुत बड़ा एक हमने पवेलियन लगाया है जहां हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ के जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल से हैं, उनको किस तरह से हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम उनको उनकी जागरूकता के साथ उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज कोई जमाना था हम कम्युनिकेबल डिजीजेस पे हमारा ज्यादा फोकस होता था, आजकल आपने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक बड़ा पेंडेमिक बन के उभर आया है, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब चीजें जो है अब बहुत ही कॉमन हो गई हैं, और ये सारी चीजें जो है लाइफस्टाइल, जीवन शैली से जुड़ी। मेले में क्या जाके मैं अपना बीपी की जांच करा सकता हूँ, शुगर की? जी जी, आप करा सकते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सबके लिए फ्री है, जनसाधारण के लिए everybody is welcome। तो अगर मान लीजिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, क्या उसी दिन मिल जाएगी फिर? हाँ, वो उसका एक सिस्टम है कि बहुत अगर संख्या में लोग आएंगे तो हम थोड़ी देर बाद भी दे सकते हैं। तो टेस्ट कराने के लिए करना क्या होगा, कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना होगा, विच इज एक महज छोटी सी प्रक्रिया है, क्योंकि हमें हम भी एक डेटा रखना चाहते हैं कौन कौन आया है, उसके बाद वो वहां जाके फ्री अपना चेकअप करा। तो डॉक्टर महेश, बीते कल क्योंकि पहला दिन था, किस तरह का रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, कल लगभग 15,000 हमारे स्टूडेंट्स और बाकी जो लोग थे वो मेले में थे, बहुत बड़ा बड़ा बड़े रूप में देखा गया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में, क्योंकि हम बहुत सारी इसका थोड़ा प्रचार भी कर रहे हैं, और उसके द्वारा मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस संख्या और बढ़ेगी। तो ये जो इस तरीके के हेल्थ मेला जब लगते हैं, जैसे अभी ये आईपीयू हेल्थ मेला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरीके का आपको लगता है कि क्या लाभ पहुंचेगा लोगों को? नहीं, देखिए, अवेयरनेस, यू नो, जागरूकता क्या करता है? हेल्थ प्रमोट करता है, और जब हेल्थ प्रमोट करता है तो क्या होता है? प्रिवेंशन होती है। तो एक ये चक्र है, जागरूकता और हेल्थ प्रमोशन है हेल्थ प्रिवेंशन। तो कहीं ना कहीं लेके हमारा, देखिए, हम सब लोग बिजी हैं, हमारे पास समय की अभाव है, तो हम स्वास्थ्य जो है उसके प्रति हमारा रवैया बहुत ढुलमुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें खुद को एम्पावर करनी है, सेल्फ एम्पावर करना जी। है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने समग्र स्वास्थ्य की बात की, और डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडे एडिशन में हम मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है या मानसिक सेहत से जुड़ी जानकारी चाहता है, क्या वो भी इस मेले में? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे पास इभास जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस, तो उनका भी इसमें उनका भी यहाँ बूथ है, और वो भी एक मेंटल स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस कर रहे हैं और कंसल्टेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। और आई थिंक आज आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी स्ट्रेस इतनी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो आजकल इतने स्ट्रेस में रहते हैं, और कई बार ये घटनाएं भी सुनने में आती हैं, वो अच्छा नहीं है। तो एक मेंटल जो आज होलिस्टिक हेल्थ है, उसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, अवेयरनेस सब मिला के, इसलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी जोक से की थी, आपको अच्छा लगा हमारा जोक? पर अगर डॉक्टर महेश वर्मा आपको मेले में मिल जाए, तो वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो है ही, वो एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट भी हैं जी, तो कुछ टिप्स तो यही दे दीजिए जो मेले में आएंगे भी, उनको भी क्या बताएंगे आप दांतों से जुड़ी जानकारी? ये देखिए, दांतों का मैं कहना चाहूंगा कि दांत जो है जी अनमोल है, दांतों का मोल अनमोल है। और हम सोचते हैं दांत सिर्फ खाने के लिए है, दांत हमारी शरीर का एक अहम हिस्सा है और उससे जुड़ा हुआ है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि दांतों की वजह से बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। आज हम दांत जो है, ओरल हेल्थ अगर किसी की निग्लेक्टेड है, तो ये हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो एक रिस्क फैक्टर है। और बहुत बार देखा गया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस तरह की और जो बीमारियां हैं, उसका जो कारण है कहीं ना कहीं ओरल निग्लेक्टेड ओरल हेल्थ भी एक रिस्क फैक्टर। तो लोगों को आप अभी क्या कहना चाहेंगे इस हेल्थ मेले के लिए, कैसे पार्टिसिपेट करें, कोई संदेश आप देना चाहें? ये कहेंगे कि देखिए, आप बड़ी संख्या में आए और मेले का लाभ उठाएं, बिकॉज मेले में सिर्फ आपका चेकअप ही नहीं, बहुत सारी और जो जानकारी जो है
वो आपको मिलेगी, उसमें चाहे आई, ईएनटी, डेंटल, मेंटल और कैंसर कैंसर अवेयरनेस और उसके अलावा बहुत सारी और जानकारियां जो इसके अलावा खाने पीने की चीजें यस खाने वो तो ये खान पान तो लेकिन हेल्दी फूड न्यूट्रिशनल। चलिए अच्छी बात है कि हेल्थ मेले का आयोजन राजधानी दिल्ली में हो रहा है, तो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ये मेला रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे आप इस मेले में जरूर जाएं इस मेले का आयोजन करने के लिए। और आपकी 25th एनिवर्सरी पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू अमित। फैशन ट्रेंड्स के बारे में तो हम सब जानते हैं जी, है ना, लेकिन क्या कभी आपने